नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी बूंदी, जिसे बुनिया भी कहते हैं और हम सभी पसंद करते हैं। ये बाहर आसानी से मिलते ही है और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है घर पर। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़े बॉल में सबसे पहले हम 1 कप बेसन डालेंगे और बेसन थोड़ी मोटी वैरायटी का यूज कीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है तो बेसन में 1 चम्मच सूजी मिला लीजिएगा, क्योंकि हमें बूंदी बनाने के लिए बेसन थोड़ी मोटी वैरायटी का चाहिए, तो गोल गोल बूंदी बनती है। अब जिस कप कटोरी से आप बेसन ले रहे हैं उसी कप कटोरी से 1 कप पानी लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन को हम घोलेंगे। एक ही बार में यदि हम पानी इसमें डालते हैं तो इसमें लम्स आ जाएंगे और हमें दिक्कत होगी मिलाने में, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालते जाएंगे और घोलते जाएंगे। तो अब बेसन का गाढ़ा घोल बनकर तैयार है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा और पानी मिलाना होगा, क्योंकि बेसन फूलने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी मिलाकर और 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर एक बार इसे हम फेंटेंगे। तो इन्हें ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं बैटर को रेस्ट करते हुए। अब इन्हें हम दोबारा 1 चम्मच पानी डालकर और फिर से इसे फेंट लेते हैं 2-3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से फ्लॉपी हो जाए हमारा बैटर और अच्छी बूंदी बने। तो फेंट लेते हैं और बैटर में आप पानी दोबारा तभी डालेंगे जब आपको ये गाढ़ा लगे। यदि गाढ़ा नहीं है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा गाढ़ा लगा था इसीलिए मैं इसमें पानी 1 चम्मच ऐड किए हैं, लेकिन इस तरह से दोबारा बैटर को फेंटना जरूरी है, तभी हमारी बूंदी गोल गोल और अच्छी बनेगी। तो अब ये बैटर हमारा तैयार है बूंदी बनाने के लिए, और इसी कंसिस्टेंसी की बैटर चाहिए बूंदी के लिए, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि जिस कप से मैंने बेसन लिए थे उसी कप से मैंने आपके सामने पानी भी लिए थे, और इसमें सिर्फ 1 चम्मच अब बचा है पानी। और मैंने बेसन मोटी वैरायटी का यूज किए हैं, यदि आप बारीक यूज कर रहे हैं तो थोड़ा कम भी लग सकता है पानी, तो आप देख कर कीजिएगा। तो अब एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ ये बैटर चेक करने का। इस तरह से झाड़ा में रखेंगे तो झाड़े से बैटर इस तरह से टपक टपक के गिरना चाहिए, ना कि झड़ से। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं पहले, यदि इसे गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी डालकर सही कर लीजिए, यदि पतला है तो थोड़ा सा बेसन डालकर सही कर लीजिएगा। तो अब बूंदी बनाने से पहले हम बूंदी के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो 1 भारी तले के बर्तन में 1 कप और 1/4 कप और डालेंगे पानी, यानी 1/4 कप पानी डालेंगे इसमें, और 1 कप चीनी डालेंगे। 1 कप चीनी के लिए हम 1/4 कप पानी डालेंगे। ए रेशियो बूंदी बनाने के लिए परफेक्ट है चाशनी के लिए, तो आप इसी तरह से रखिएगा। इसमें आपको चाशनी ना बचेगी ना ज़्यादा मीठी बूंदी बनेगी, एकदम सही बूंदी बनेगी। तो इस तरह से चलाते हुए चीनी को पानी में घुलने देते हैं, और पानी में 1 उबाल आने के बाद हम 1 मिनट और पका लेते हैं इसे। तो 1 मिनट पका लिए हैं, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, चेक करते हैं इन्हें। बूंदी के लिए हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। तो अब ये परफेक्ट है चाशनी, गैस ऑफ कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, बस 5-7 ड्रॉप्स। तो इसे छानकर ही डालिएगा, जब भी आप किसी चीज़ में लेमन डालते हैं तो छानकर डालिएगा। लेमन जूस डालने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनती है, और गंदी है यदि चाशनी तो ये साफ भी हो जाती है। तो ये चाशनी तैयार है, आप चाहे तो ऐसे ही रखें अथवा इसमें 2-3 इलायची कुटकर डाल ले। तो मैं इलायची डाल रही हूँ, आप इसके जगह केवड़ा एसेंस, रोज एसेंस भी डाल सकते हैं। और चाशनी को आप चाहे तो ऐसे ही सादा कलर में रखें, मैं इसमें 1 पिंच फूड कलर डाल रही हूँ, आधा रेड है और आधा येलो है, दोनों मिलाकर ऑरेंज कलर आ जाएंगे। तो मिला लेते हैं, देखिए ये ऑरेंज कलर आ गए हैं। अब इन्हें साइड में रखते हैं और एक पेन अथवा कढ़ाई चढ़ा लेंगे बूंदी तलने के लिए। अब हम इसमें तेल अथवा घी डालेंगे जिसमें हम बूंदी को तलना चाहते हैं। तो मैंने तेल लिए हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जिस झारे से आप बूंदी को तेल में झार रहे हैं उसके होल से दुगुनी तेल में जाकर बन जाएगी बूंदी। तो ये झारे हैं परफेक्ट बूंदी तलने के लिए, मैं इसी से आज झार रही हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है और तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए और गैस का फ्लेम भी मीडियम। झारे को थोड़ा कढ़ाई से ऊपर रखेंगे और इस तरह कलछी से बैटर डालेंगे, और एक ही बार में इस झारे में बैटर नहीं डालिएगा भर के, नहीं तो
बैटर झारे के साइड से गिरेंगे और बूंदी का शेप बिगड़ जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। जब तक एक कढ़ाई में जगह है इस तरह से ऐड करते जाइएगा बैटर, और गिरते जाएंगे इस तरह से टपक टपक के। देखिए कितनी गोल गोल बूंदी गिर रही है झारे से, और ये तेल में गिरते ही ऊपर तैरने लगी है। बिल्कुल परफेक्ट बूंदी बन रही है। इसी तरह की बूंदी बनती है जब सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से मैंने बताए हैं सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी बूंदी अच्छी बनेगी। अब इन्हें 1 मिनट इस तरह से पकने देते हैं, फिर हम चलाएंगे एक पैचुला से। तो 1 मिनट हो चुका है, इसे इस तरह से पैचुला से चलाते हुए 1-1.5 मिनट और पका लेते हैं। बहुत देर तक हमें पकाना भी नहीं है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी और अच्छी तरह से चाशनी नहीं पिएगी। देखिए बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है, बिल्कुल मोतियों की तरह गोल गोल। और मैं आपको आउट पास से दिखाती हूँ, देखिए है ना ये बाजार की तरह परफेक्ट। तो अब ये तैयार हो चुकी है, और इन्हें निकालते ही ये चाशनी में डाल लेंगे, बिल्कुल प्लेट में नहीं रखेंगे। और बूंदी डालते समय चाशनी भी गर्म ही होनी चाहिए, यदि आपकी चाशनी ठंडी हो जाती है तो बूंदी को डालने से पहले गर्म कर लीजिएगा, तभी बूंदी डालिएगा तो चाशनी अच्छी से पिएगी बूंदी। तो अब सारे बूंदी इसी तरह से तलेंगे, एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो दूसरी बैच की भी बूंदी तैयार हो चुकी है, मैं इसकी आवाज सुनाती हूँ। बूंदियों से हल्की सी ही आवाज आएगी, तभी हमें तेल में से निकाल लेनी है बूंदियों को। तो अब निकाल लेते हैं इन्हें और चाशनी में डिप कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ, जब एक बूंदी आप निकाल रहे होते हैं कढ़ाई से तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिएगा, तो ये बूंदी जलेगी भी नहीं, और जब हम दूसरे बैच को डालेंगे तो वो भी डलते नहीं जलेगी पैन में। बूंदियों को डालकर चाशनी में हल्के हाथों से पैचुला से इस तरह से चला देंगे ताकि अच्छी तरह से चाशनी को पिए, और छोटे छोटे कढ़ाई में पार्टिकल्स रह जाए बूंदी का, तो इस तरह छनौटा से छान लीजिएगा। चाय छन्नी से बहुत आसानी से छन जाते हैं, और इसी तरह से बनाइएगा सारी बूंदी। तो अब सारे बैटर से बूंदी बनाकर चाशनी में डाल लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें चाशनी कितनी बची है। इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा चाशनी नहीं है, बिल्कुल 1 चम्मच जितना है, और जो अभी डाले हैं बूंदी लास्ट में तो वो भी चाशनी को पिएगी, तो इसमें बिल्कुल चाशनी नहीं रहेगी एक्स्ट्रा। तो 1-2 बार इस तरह से चला लेते हैं ताकि जो अभी रखे हैं वो भी चाशनी को अच्छी तरह से पी ले, और बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे, जोर जोर से नहीं कीजिएगा, नहीं तो इस वक्त बूंदी चाशनी पीकर सॉफ्ट हो चुकी होती है और गर्म है तो टूट भी सकती है। और देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल 1 चम्मच जितना है, और थोड़ी देर में ये सूख जाएगी, तो रहने देते हैं 2-3 मिनट के लिए, फिर हम इन्हें सर्व करेंगे। और सर्व करने से पहले रोस्टेड खरबूजे के बीज हो तो डालकर सर्व कीजिएगा, तो और भी टेस्टी लगती है ये बूंदी। तो मैंने खरबूजे के बीज डालकर इन्हें सर्व कर लिए हैं, और बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है, बहुत ही टेस्टी है ये, बिल्कुल खिली खिली बूंदी बनी है, चिपचिपी भी नहीं है और बहुत मीठी भी नहीं है, बहुत ही टेस्टी बूंदी बनी है। तो अब आप इस तरह से घर पर बूंदी प्रसाद के लिए बनाइए, चाहे ऐसे ही खाने का मन है तो बनाइए, और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।